हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीवो Y33s फ़ोन में स्क्रीन लॉक होने के बाद भी अगर आपकी डिस्प्ले पे नोटिफिकेशन शो करता है तो उसे ऑन ऑफ कैसे करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, उसको सेटिंग कहां से करते हैं। जैसे कि आप कोई भी पर्सनल चीज़ या आपका व्हाट्सअप या फेसबुक कोई भी मैसेज आपके फ़ोन पर आता है तो आपके लॉक है डिस्प्ले, इसके बाद भी अगर शो कर रहा है तो उसे ऑफ कैसे करें। अगर नहीं शो होता है, आप उसे ऑन करना चाहते हैं तो कैसे ऑन करें, इसके सेटिंग के बारे में हम सेटिंग करके देखते हैं। और आइए दोस्तों, हम सबसे पहले अपने फ़ोन के सेटिंग में चलते हैं। और मैं सेटिंग को क्लिक कर दिया हूँ, यहाँ सेटिंग मेरा ओपन हो चुका है। आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना है, प्राइवेसी, प्राइवेसी पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ आपको मिलेगा तीसरे नंबर पे नोटिफिकेशन ऑन स्क्रीन, नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको यहाँ तीन ऑप्शन मिलता है, शो ऑल नोटिफिकेशन कंटेंट, शो सेंसिटिव कंटेंट ओनली व्हेन अनलॉकड, डोंट शो नोटिफिकेशन ऑल एट ऑल। इसमें से आप अगर पहले पे क्लिक करते हैं तो आपका सारा नोटिफिकेशन लॉक होने के बाद भी शो करेगा, शो सेंसिटिव कंटेंट ओनली व्हेन अनलॉकड। अगर आप दूसरे नंबर पे क्लिक करते हैं तो इस पे आपको लॉक ओपन हो, लॉक खुलने के बाद ही आपका नोटिफिकेशन शो करेगा या कोई भी देख सकता है, लॉक खुलने के बाद ही दिखेगा। और यहाँ आप तीसरे नंबर पे आप करना कर देंगे क्लिक इसको तो आपका कोई नोटिफिकेशन शो नहीं करेगा आपके लॉक होने के बाद। आप लॉक खोलने के बाद आप ऊपर से ऐसे करेंगे फिर ही आपका नोटिफिकेशन दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। तो दोस्तों, हम अब बैक करके देखते हैं आप कि मेरा नोटिफिकेशन बंद हुआ या नहीं हुआ। तो देखते हैं, तो देखें हमारा नोटिफिकेशन नहीं, तो देख रहे हैं अब आप यहाँ कोई नोटिफिकेशन नहीं शो हो रहा है, जो मैं अब आपको दिखाता हूँ करके। मैं सेटिंग से ऑन कर लेता हूं अपना फिर से। तो ये मैं अपना फिर से पहले नंबर पे ऑन कर लेता हूं, जो कि सारा नोटिफिकेशन शो करेगा फ़ोन में। तो अब मैं बैक करके फिर से देखता हूं मेरा सर रहा है। आप देख रहे हैं यहां सभी नोटिफिकेशन आ रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं सब नोटिफिकेशन शो हो रहा है। तो इसको अब मैं कट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। थैंक यू दोस्तों।